Hello students, today I am going to explain you EVS chapter number 15 and our topic is from market to home. We have seen in the chapter 14 कि खेत में कैसे फसल grow करती है, उसके पहले की process क्या होती है. Okay, and then we pack the onions in the sack. हमने जो फसल थी उसको बोरी में बांधा, पैक किया और मार्केट तक पहुंचा दिया. ओके, अब नेक्स्ट व्हाट इज़ इट फ्रॉम मार्केट टू, फिर मार्केट से हमारे घर तक सब्जियां कैसे आती है, दैट वी विल सी इन दिस लेसन. ओके, सो बी केयरफुल एंड पे अटेंशन हियर. ओके, फ्रॉम मार्केट टू मतलब मार्केट से घर तक कैसे सब कुछ होता है. ओके, कैसे सब्जी और हम चीज़ें आती है. नाउ दिस इज, यू कैन सी हियर लाइट है, एक बड़ा लड़का है, छोटा है और उसके हाथ में कुछ है. ओके, ग्लास ऑफ वाटर. नाउ माय नेम इज वैशाली, माय फादर इज अ वेजिटेबल सेलर, माय मदर, भाई, छोटू एंड आई हेल्प फादर विद दिस वर्क. मतलब मेरा नाम वैशाली है और उसके पापा सब्जी बेचने का काम करते हैं. मम्मी, मेरा भाई मतलब उसका थोड़ा बड़ा बड़ा भाई होगा, फिर छोटा भाई भी है और मैं मतलब कि वैशाली, सब लोग अपने पापा को हेल्प करते. कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन अवर वर्क, क्या आप सोच सकते हैं हम कितना बजे उठते हैं. ये जो सब्जी वाले होते हैं वो लोग कितने बजे उठते हैं, एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. कितने बजे, 3 बजे उठते हैं सुबह, रात को 3 बजे. मतलब हर कोई उठता था 6 बजे उठता हो, है ना, और ये लोग कितने बजे उठते हैं, 3 o'clock. वाई सो अर्ली When most people are fast asleep, जब सब लोग बहुत घेर नींद में सो रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग 3 बजे उठ जाते. यू कैन सी हियर, ये 3 बच्चे दिख रहे हैं, एक चाइल्ड, यहाँ मम्मी पापा, ओके, फादर दिख रहे हैं, फिर ये वैशाली एक लड़की, बड़ा भाई है और उसका एक छोटा भाई. ओके, सब लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे. When most people are fast asleep, we start our work. Taking out the previous day's vegetable from the gunny bags and baskets and arrange them. On the other hand, preparation of bringing the fresh vegetables from the mandi matlab badi market. Sometimes Chotu also help us. Matlab pehle subah subah 3 baje uthke kya karte hain, chai pani pi lete hain aur ye log kya karte hain, जो बची हुई अगले दिन की सब्जियां जो होती है ना, सभी सब्जी तो बिक नहीं जाती है ना सब्जी वालों की, तो जो बाकी रह जाती है तो उनको वो लोग पैक करके रख देते हैं. ओके, ऐसे टोकरियों में. तो फिर सुबह 3 बजे उठ के क्या करते हैं लोग, ये सब जो पुरानी वेजिटेबल्स है ना उसको ऐसे उठ कर, कोई गंदी हो गई हो तो उसको निकाल देते हैं और फिर कुछ अच्छी है तो उसको रख देते हैं साइड पर, ताकि उसको बेचने के लिए रेडी करें. जो घर के अंदर जो बची है वेजिटेबल्स उसका काम पहले वो निपटा देते हैं, वो फिनिश कर देते हैं. एज सुन एज वी हैड अवर टी आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, मतलब ये काम फिनिश हो जाता है पुरानी सब्जी का तो फिर चाय पानी कर लेते. वी हियर द हॉर्न ऑफ अ टेम्पो, तब जाके किसकी आवाज़ आई, हॉर्न. हॉर्न मतलब हॉर्न, किसकी आवाज़ आई, हॉर्न का, टेम्पो. टेम्पो क्या होता है आप सबको पता होगा ना, टेम्पो क्या होता है, टेम्पो के अंदर माल सामान लाया जाता है ना. इट इज़ टाइम फॉर फादर, भैया, अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी. अब ये टाइम क्या हुआ, पापा, भाई और अंकल और कुछ हमारे गली में रहने वाले, स्ट्रीट मतलब अपनी गली में रहने वाले सब्जी वाले जो होते हैं वो सब मंडी में जाएंगे. मंडी क्या होती है, मंडी में जो खेत से जो फसल पकती है वो लोग बड़ी मार्केट में सब्जी दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मंडी. ओके, मार्केट में जाके देते, मंडी मतलब मार्केट, और वो बड़ी मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारी सब्जी एक साथ आती है. वहाँ से फिर वेजिटेबल सेलर वाले थोड़ा थोड़ा लाते हैं और वेजिटेबल सेलर के पास से हम वेजिटेबल्स खरीदी करते हैं. ओके, एक साथ 20-25 किलो खेत में सब्जी ग्रो होती है तो इतनी सारी थोड़ी हमें चाहिए, और वो खेत वाला भी थोड़ी खा सकता है, नो. तो वो क्या करते हैं, मंडी में जाके बेच देते हैं. मंडी में से फिर वेजिटेबल्स वाले जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो लेके आ जाते हैं 5-10 किलो जैसे चाहिए वैसे, और फिर वेजिटेबल सेलर सब्ज़ी वालों के पास से हम जाके सब्जियां ले लेते हैं.
इस तरह से हमारी सब्जियां घर तक आती है। ओके, डज एनीवन इन योर हाउस गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में कोई सबसे ज़्यादा जल्दी उठता है इतना बड़ा? हाँ, सबकी मम्मियाँ उठती है। व्हाट टाइम डज ही और शी गेट्स अप? पापा और मम्मी ही दोनों जल्दी उठते हैं। पापा थोड़ा लेट उठते हैं, मम्मी सबसे ज़्यादा जल्दी उठती है। प्रिपेरिंग फॉर द डे, अब दिन के लिए तैयारी करनी है। क्या करनी है? मदर, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस वेजिटेबल्स इन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन देम। बाय 6:30 AM फादर इज बैक फ्रॉम द मंडी विद बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। फिर पापा 6 बजे जैसे वो मंडी चले जाते हैं, पापा, फिर मम्मी है, मैं हूँ और मेरा भाई, सब लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स हमने सेपरेट की थी ना, जो गंदी हो गई उसको फेंक दिया, और जो अच्छी बची थी उसको फिर क्या करेंगे, पानी के ऊपर छाँक के और जो बोरियाँ होती है ना उसके ऊपर डाल दे ताकि वो पूरा सोख कर ले। और वो पानी डालने से क्या होता है, सब्जियों पे पानी छाटने से सब्जियाँ फ्रेश हो जाती है। इसलिए यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो ये पानी लेके बैठे हैं और उसके ऊपर पानी छाट रहे हैं और सबकी अलग अलग रखी हुई है। देखो बैंगन, टमाटर, सब कुछ सेपरेट किया गया है ना। तो इस तरह से सभी सब्जियाँ अलग करके तैयार रखते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, बाय 6:30 AM फादर इज बैक फ्रॉम मंडी विद बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। अब 6:30 होते होते क्या होता है, पापा मार्केट गए थे ना, अब वो मंडी से वापस आ गए, क्या लेके आए, बास्केट्स, ओके, टोकरियाँ और उस और फिर वेजिटेबल से भरी हुई सभी बोरियाँ। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स लाइक मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। उस टाइम पे हमारा घर कैसे दिखता है, सब्जी मंडी जैसे दिखता है। देर आर ब्रिंजल्स, पोटेटोज, टोमेटोज, ओकरा, दैट इज भिंडी, पम्पकिन, गुड़, चिली, मतलब पापा बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके आए। मतलब जब मंडी जाते हैं तो जो खेत वाले होते हैं फार्मर्स, वो लोग फ्रेश वेजिटेबल्स मंडी में जाके दे देते हैं, इसलिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, भिंडी है, धनिया है, ओके, फिर तो ये सब मंडी फ्रेश लानी पड़ती है। पोटेटोज है, टोमेटोज है, ये पोटेटोज, ऑनियन, ये सब थोड़े दिन के लिए रह सकता है, पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़े दिन के लिए ही रहते हैं, फिर वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए बिक भी जाते हैं और फिर उसको लाना भी पड़ता है। टोमेटोज है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको वो दब जाते हैं, इसलिए वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहते। ओके, तो सभी सब्जियाँ मतलब रखनी पड़ती है सब्जी वालों को, तो हर रोज़ जो जो सब्जियाँ कम होती है उसके हिसाब से वो लोग लेके आते हैं। चलो भिंडी फिनिश हो गई तो भिंडी ज़्यादा ले आते, टोमेटोज पड़े थोड़े तो फिर टोमेटोज कम लाएंगे, इस तरह सभी सब्जियाँ लेके आ गए। अब सब्जियाँ रख दी, एवरी वन हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल। फिर क्या होता है, सभी सब्जियों को अरेंज करना पड़ता है, ब्रिंजॉल एक तरफ, ऑनियन एक तरफ, टोमेटो एक तरफ, पोटेटो अलग से, फिर लौकी है, ग्रूड मतलब गुड जो बोल रहे हैं, GOURD मतलब लौकी, चिली मतलब हरी मिर्ची, ओके, द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड नॉट रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। मतलब टमाटर में क्या होता है, कुछ कच्चे टमाटर भी होते हैं जो पके हुए नहीं थे, तो ऐसे जो पके हुए चीज़ें नहीं होती है तो उनको साइड पे रख दिया जाता है, एक दो दिन के बाद सेल कर सकते हैं, मतलब उसको बेचना नहीं है तो उसको साइड पे रख देते, और जो फ्रेश होती है और पके हुए हैं तो उनको फिर वो लोग बेचने के लिए रेडी कर। वी हैव टू सॉर्ट आउट वेजिटेबल्स फार, फिर हमें क्या करना होता है, फटाफट सभी वेजिटेबल्स को अलग अलग करके, सो एज़ टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल। ताकि हम फटाफट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि 7 बजे तो सब्जी वालों को निकल जाना पड़ता है सब्जियाँ बेचने के लिए, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अगर वो लोग जल्दी नहीं पहुँचेंगे मार्केट तो फिर सब्जी कैसे बेच पाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह सभी को सब्जी चाहिए ना खाना बनाने के लिए मम्मी को, इसलिए। अब देखो, यू कैन सी हियर, पापा ने लारी ले लिए हैंड कार्ट, उस पर सभी वेजिटेबल्स अरेंज कर दिए और चल दिए। बाय 7 o'clock फादर अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द मार्केट। 7 बजे तक क्या होता है,
पापा सब कुछ लारी के ऊपर, मतलब हैंड कार्ट जो होती है लारी, उसके ऊपर अरेंज करके निकल पड़ते हैं. ही सेज दैट इफ ही इज लेट देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाई देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स. क्या होता है, पापा बोल रहे थे कि अगर मैं थोड़ा लेट भी चला जाऊँगा तो मेरे जो कस्टमर, हर कोई अपने एरिया में जाता है, सब्जी तो हर रोज़ लेनी पड़ती है सबको, ओके, तो एक पर्टिकुलर एरिया में हर कोई वेजिटेबल सेलर वाला जाता है. आपको भी पता होगा कि आपके आप जगह घर है वहाँ पे हर रोज़ एक दो जो वेजिटेबल्स वाले वो हर रोज़ आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई उनके लेने वाला होता है. अब वो जल्दी नहीं जाएंगे तो क्या होगा, जिनको सब्जियाँ चाहिए जैसे हम लोगों को कस्टमर को, तो वो किसी और के पास ही रहे तो क्या होगा, उनकी सब्ज़ी बिकेगी नहीं और वो पड़ी रहेगी, है ना, तो फिर उनका वो लॉस होगा. इसलिए सब्ज़ी वालों को क्या होता है, फटाफट उनका अरेंज करके उनको जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है सब्ज़ी बेचने के लिए, वरना उनके कस्टमर्स किसी और के पास से ले लेंगे, किसी और सब्जी वाले के पास, इसलिए वो भागते हैं जल्दी. सो एज सून एज फादर लीव्स आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल एट 7:30. अब पापा 7 बजे निकल पड़े. अब 7:30 बड़ा भाई जो है, ओके, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये बड़ा भाई, आई मतलब यहाँ पे वैशाली हुई, ओके. एज सून एज फादर लीव्स आई क्विकली गेट रेडी फॉर टू रीच द स्कूल, मतलब वैशाली की स्कूल सुबह मॉर्निंग की है आपकी तरह, ओके. तो 7:30 मतलब 7 बजे पापा निकल गए तो टाइम भी बहुत कम रहा, तो फटाफट से जाके रेडी हो जाती है अपने स्कूल जाने के लिए. अब वो स्कूल गई. नाउ देखो इन द मार्केट, अब पापा देखो यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं और कस्टमर्स ले रहे हैं. छोटू अटेंड स्कूल इन द मॉर्निंग. छोटू मतलब सबसे छोटा भाई है, वो भी सुबह सुबह जाता है. ही गोज टू मार्केट एट 10 AM विद फूड फॉर फादर एंड भाई. मतलब भाई मतलब सबसे बड़ा भाई जो है ना, वो भी वहाँ पे होता है पापा के साथ हेल्प करवाने के लिए. ही स्टेज विद देम एट वेजिटेबल मार्केट अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल. मतलब भाई भी पापा के साथ लारी पे होता है जब तक उसके स्कूल का टाइम है. वो थोड़ा लेट जाता है, वैशाली चली जाती है सुबह सुबह स्कूल, फिर घर पे कौन रहा, छोटू और भाई. भाई फिर थोड़ी देर के बाद लेट जाता है 10 बजे जैसा, तब तक मम्मी खाना बना लेती है पापा का और हमारे स्कूल जाने का, तो हम खा लेते और पापा का टिफिन लेके जाके मैं पापा को दे देता हूँ. और फिर जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता है तब तक मैं पापा के साथ वहाँ पे लारी पे रहता हूँ. समटाइम ही गोज डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल टू हेल्प हिज फादर. फिर क्या होता है, शाम को जब छूट जाता है, ओके, स्कूल फिनिश होने के बाद शाम को भाई, तो वो सीधा ही अपने पापा की वहाँ चला जाता है पापा को मदद करने, कि पूरा दिन पापा खड़े रहते तो वो भी थक जाते हैं ना. फादर ट्राइज टू सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट. पापा क्या करते हैं, जो अगले दिन की सब्जी होती है ना उसको पहले सेल करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकती है. फ्रेश वेजिटेबल्स एक आध दिन और रह सकती है, बट जो अगले दिन की सब्जी होती है उसको बेचना पड़ता है, वरना फिर वो बिगड़ जाएंगे तो फिर उनको वो सब लॉस हो जाएगा इनका. थिंक एंड टेल, फादर सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट. डू यू थिंक ही डज दिस. हाँ मतलब पापा अगले दिन की सब्जी पहले बेचते हैं. यस. क्यों? बिकॉज अगर वो नहीं बिकेगी तो फिर वो बिगड़ जाएगी, मतलब स्टेल हो जाएगी, गंदी हो जा सकती है, सड़ जा सकती है. हैव यू सीन ड्राइड और रॉटन वेजिटेबल्स वेयर. हाँ, रॉटन का मतलब सड़ी हुई. अब कुछ कुछ वेजिटेबल्स जैसे टमाटर है, ओके, मिर्ची है, उस पर अगर बारिश के टाइम पे हम लाते हैं तो वो जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि वो गीले होते हैं. इसलिए कभी कभी समर में क्या होता है, तेज़ धूप होती है, ओके, द सन इज़ वेरी हॉट, तो उसी कारण सब्जियाँ सब सूख जाती है, ओके, वो ड्राई हो जाती, तो वो भी लॉस हो जाता है. इसलिए फ्रेश वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर रोज़ फ्रेश ही लेते हैं, वरना फिर वो गंदी होती है तो फिर हमें फेंकना पड़ता है. एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड, भाई टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सेक्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट. और जब जैसे जैसे पुरानी सब्जी जो होती है पिछले दिन की वो सेल हो जाती, फिर पापा नई सब्जी डालते जो फ्रेश लाए हो आज, ओके, ताकि वो सब्जी सेल होने के बाद नई निकालते. ही ऑल्सो की स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेज. और फिर क्या करते हैं, सब्जियों पे आपने देखा होगा बहुत बार, यू हैव सीन
सब्जी वाले क्या करते हैं, बार बार पानी छाटते हैं। क्यों? देखो मानसून में तो बारिश आती है इसलिए ज़रूरत नहीं होती, विंटर में मौसम ठंडा होता है इसलिए भी सब्जी नहीं उगती। बट इन समर व्हाट हैपेंस, समर में धूप बहुत ज़्यादा होती है तो सभी सब्जियाँ सूख जाती है, इसलिए उनको फ्रेश रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी स्प्रिंकल करना पड़ता है। ओके, सो दैट दे डू नॉट ड्राई, स्पेशली इन समर। देखा आपने, स्पेशली समर में ही ज़्यादा करना पड़ता है सब्जियों पे पानी स्प्रिंकल करना। फादर एंड भाई रिटर्न्स अराउंड 10 o'clock एट नाइट। पापा और भाई कितने बजे घर पर आते हैं? 10 बजे। बाय देन छोटू एंड आई स्लीप, एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 to 11:30 एट नाइट। पापा 10 बजे आते हैं और छोटू भी उनके साथ 10 बजे ही आता है, मतलब भाई, बड़ा भाई। फिर सब लोग खाते हैं, हाथ पैर धो के खा के सब कुछ, तब तक 11:30 हो जाता है और फिर वापस सुबह उसी टाइम पे 3 बजे उठ जाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द 3 types ऑफ क्लॉक है। यहाँ 3 o'clock, व्हाट इज़ द 3 o'clock, दैट इज़ मॉर्निंग 3 o'clock है ये, सुबह सुबह के 3 o'clock से जब ये लोग जागते हैं, वैशाली और ये सब। फिर नेक्स्ट क्या है, 7 o'clock, 7 o'clock क्या है, पापा गोज़ टू मार्केट। नेक्स्ट थर्ड घड़ी में क्या है, 10 o'clock, 10 o'clock पापा एंड भाई रिटर्न टू होम फ्रॉम द मार्केट। ओके, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, आपके और हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल, आपके घर में सब्जी कहाँ से लाते हो, सब्जी मंडी या फिर कोई हैंड कट वाले के पास से, ओके, या फिर कोई बेचने वाला होता है उसके पास से। कौन लाता है, अगर मार्केट से लानी होती तो पापा ले आते हैं, और अगर अपने घर के पास कोई हैंड कट वाला है तो मम्मी ले लेती है। इन विच वर्क डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, मतलब इसमें आपने देखा इस चैप्टर में कि वैशाली के पापा को सब लोग हेल्प करते हैं ना, वैशाली की मम्मी, वैशाली खुद, भाई और छोटा भाई, सब लोग मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो आप अपने घर में कैसे कैसे काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, यू हैव टू राइट डाउन। नाउ यू कैन सी हियर देयर आर सम वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर, यहाँ बैंगन देख सकते हो, टमाटर देख सकते हो, फिर पोटेटोज है, लौकी है, फिर स्पिनाच है मतलब भाजी, फिर भिंडी है, जो जो वेजिटेबल्स दिख रहे हैं उसको अपने कलर के कलर, मतलब गाजर, जो कैरेट है वो ऑरेंज कलर के होते हैं तो यू हैव टू कलर ऑरेंज। फिर यहाँ पे आपको भाजी दिख रही है ना स्पिनाच, वो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। फिर पोटेटो है तो वो ब्राउन कलर के, तो आपको उसके हिसाब से फिर सभी वेजिटेबल्स को कलर करना है, दैट इज़ योर एक्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हियर इज सम लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दीज स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज, राइट द नेम्स इन द करेक्ट टेबल, यू कैन एड मोर नेम्स इन द लिस्ट, मतलब यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों के नाम है एंड यू हैव टू सी लिस्ट देम। यहाँ पे आपको कॉलम्स भी दिए गए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, ओके, मतलब क्विकली स्पॉइल मतलब जल्दी सड़ जाते हैं, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम, मतलब ऐसे फ्रूट वेजिटेबल्स जो थोड़े दिन के लिए अच्छे रह सकते हैं, जो गंदे नहीं होते तुरंत। यू हैव टू राइट डाउन द कॉलम, पिंक में जल्दी स्पॉइल होने वाले लिखने हैं और ब्लू में जो थोड़े दिनों तक स्टे कर सकते हैं वैसे वेजिटेबल्स लिखने हैं। फर्स्ट स्पिनैच, स्पिनैच मतलब भाजी, ओके, भाजी जल्दी स्पॉइल होती है सो पिंक कॉलम है। चीकू वो भी जल्दी स्पॉइल हो जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ओके। फिर कुकुम्बर, यस दे कैन स्टे फॉर सम डेज, ओके, सो उसको ब्लू कॉलम में लिखो। पोटेटो वो भी दैट कैन ऑल्सो स्टे फॉर सम डे। पाइन एप्पल नहीं, वो तो हमें छिलका निकाल के खाना पड़ता है तो वो मतलब जल्दी भी बिगड़ सकता है। देन ग्रेप्स वो भी जल्दी गंदे हो जाते हैं। बनाना इट टू वो भी स्पॉइल्स क्विकली। बॉटल ग्रूड एक आध दिन दो दिन रह सकते हैं। जिंजर इट कैन ऑल्सो स्टे, ओके, तो ब्लू कॉलम में। टोमेटो नहीं दे स्पॉइल क्विकली। ऑनियन अगर ग्रीन है ओके तो दे स्पॉइल क्विकली, अगर सूखे हैं ऑनियन सो दे कैन स्टे फॉर सम डेज, बट हम स्टे फॉर सम डेज में ही लिखेंगे ऑनियन को। पैर इट कैन ऑल्सो स्टे फॉर सम डेज। कैबेज लौकी की सॉरी गोभी भी 3-4 दिन तक रह सकती है सो दैट ऑल्सो डजेंट गेट स्पॉइल फास्ट। सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ,
मतलब यहाँ पे जो सब्जी है और फ्रूट्स है उसको ऐसे है कि कुछ कुछ बहुत ऊपर से टच करने में सॉफ्ट है, कुछ बहुत रफ होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। तो ऐसी सब्जियों का नाम रखने जो स्मूथ है उसको आपको ग्रे कलर में लिखना है, रफ जो है उसको येलो कलर में लिखना है। तो स्पिनच वो सॉफ्टी होते स्मूथ, चीकू वो भी स्मूथ, कुकुम्बर थोड़े होते रफ, ओके, पोटैटो रफ होता है, पाइनएप्पल पूरा रफ होता है, ग्रेप्स स्मूथ, बनाना भी स्मूथ, बॉटल ग्रूड थोड़ा बहुत रफ, जिंजर वो भी थोड़ा रफ, टोमेटो स्मूथ, ऑनियन वो भी स्मूथ है, पैर भी स्मूथ है, कैबेज वो थोड़ा रफ होता है, ओके। सो इस तरह से सभी आपको कॉलम्स में लिखने हैं। नाउ ये सब कुछ नहीं है, टास्क अबाउट थ्री वेजिटेबल्स दैट दे सेल, दैट इज एक्टिविटी आपको, ओके। सो दिस इज योर लेसन, होप यू वुड अंडरस्टैंड इट, ओके।